हमास और इजराइल की जंग में गाजा तबाह हो गया, गाजा शिकार हो गया, गाजा शहीद हो गया। अपने नागरिकों की हिफाजत करते करते वो मलबे का गुबार बन गया। लेकिन ये जंग थमी नहीं, इसकी आग की लपटें अब फिलिस्तीन के बाहर लेबनान को सुलगा चुकी हैं। किसी भी वक्त इजराइल और हिजबुल्ला के बीच लेबनान से जंग शुरू हो सकती है। अगर ये जंग छिड़ी तो एक बार फिर इजराइल पर भारी पड़ने वाली हैं वो सुरंगें, जिसके मकड़जाल में इजराइल ने गाजा में बहुत कुछ खोया। क्योंकि इस बार इजराइल का सामना हमास से ज्यादा एडवांस सुरंगों से होगा, जिनकी गहराई और लंबाई अनुमान से भी ज्यादा है। एक बार हमास की सुरंगों को भले ही इजराइल ने कुछ हद तक डिकोड कर लिया, लेकिन अगर हिजबुल्ला के साथ जंग छिड़ी तो फिर हिजबुल्ला के सुरंगों के जाल में फंसकर इजराइल निकल नहीं पाएगा। क्योंकि ये सुरंगें सिर्फ लेबनान के भीतर नहीं, बल्कि लेबनान से शुरू होकर ये सुरंगें इजराइल के भीतर तक गई हैं, तो सीरिया की सरहद भी पार कर गई हैं। ये सुरंगें जमीन के नीचे चलती फिरती माइंस हैं, जो इजराइल पर भयानक कहर बरपा सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन यादव। आज बात हिजबुल्ला की और हिजबुल्ला की उन सुरंगों के नेटवर्क की, जिसमें एक बार इजरायली सेना अगर फंस गई तो फिर वो खुद का पता ढूंढती रह जाएगी। लेबनान में रहने वाले और लेबनान को करीब से देखने वाले एक्सपर्ट्स का दावा है कि लेबनान में हिजबुल्ला की सुरंगें सैकड़ों किलोमीटर तक जमीन के भीतर दौड़ती हैं। यहाँ तक कि ये सुरंगें इजराइल के भीतर तक पहुँच चुकी हैं। हिजबुल्ला का कोई भी लड़ाका कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रखकर आसानी से इजराइल पर रॉकेट फायर कर सुरंगों के रास्ते गायब हो सकता है, जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगेगी। सबसे बड़ा खुलासा खुद आईडीएफ ने किया था, जिसने बताया था कि उत्तरी गाजा के जबालिया शहर में जमीन के नीचे एक इतनी बड़ी सुरंग का पता चला जो कि 4 किलोमीटर लंबी थी और इजराइल के इरेज बॉर्डर के भीतर 400 मीटर तक पहुंची हुई थी। ये सुरंग इतनी बड़ी थी कि इसके भीतर मोटरसाइकिलें भी आसानी से चलाई जा सकती थी। हालांकि आईडीएफ ने ये नहीं बताया कि क्या इन्हीं सुरंगों के जरिए मोटरसाइकिल पर हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर को इजराइल में दाखिल हुए थे। बहरहाल, गाजा की सुरंगों की कहानी अब इतिहास है, हिजबुल्ला की सुरंगें वर्तमान है, जिन पर इजराइल और हिजबुल्ला दोनों का ही भविष्य टिका हुआ है। लेबनान में हिजबुल्ला सुरंगों के नेटवर्क पर बहुत पहले से काम कर रहा है और हिजबुल्ला सुरंगों का नेटवर्क बनाने में बहुत आगे निकल चुका है। दक्षिणी लेबनान में सुरंगों का एक ऐसा नेटवर्क है जो न सिर्फ बहुत गहरा, बल्कि हमला करने, भागने छिपने और बैलिस्टिक मिसाइलों को जमीन के भीतर इधर से उधर ले जाने में सक्षम है। इजरायली सेना को घेरने के लिए लेबनान में हिजबुल्ला ने बेरूत से इजराइल के बॉर्डर से 3 किलोमीटर नज़दीक तक सुरंगों का एक ऐसा जाल बुना है जिसमें फंसने के बाद बचना नामुमकिन है। इन सुरंगों में हिजबुल्ला ने हथियारों का जखीरा तैयार कर रखा है। हिजबुल्ला के लड़ाकों के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट और मोटरों का भंडार है। इसी डर की वजह से इजरायली सरकार ने उत्तरी इजराइल के इलाके में, यानी लेबनान से सटे बॉर्डर इलाके में, हजारों इजरायली नागरिकों से जबरन ये इलाका खाली करवाया है और वो पूरी ताकत से सीमा पर लेबनान से किसी भी हरकत पर नज़र बनाए हुए है, ताकि अचानक जमीन के नीचे से हिजबुल्ला के लड़ाके न निकल आएं और फिर दोबारा से 7 अक्टूबर जैसा दूसरा कोई कांड ना हो जाए। दरअसल खुफिया जानकारियों के मुताबिक लेबनान को लैंड ऑफ टनल कहा जाता है। ये देश सुरंगों के ऊपर बसा है, सुरंग के भीतर रहस्य छुपा है। ये सारी सुरंगें एक दूसरे से पूरी तरह कनेक्टेड हैं।
ये दरअसल इजरायली हमले का जवाब देने के लिए डिफेंस लाइन है, जो कि गोरिल्ला वॉरफेयर में इजरायली सैनिकों को लोहे के चने चबवा सकती हैं। इजरायली सैनिकों ने अगर लेबनान पर हमला बोल भी दिया तो उन्हें नहीं मालूम होगा कि जिस कब्जे वाली जमीन पर उनके सैनिक चल रहे होंगे उन सैनिकों के बूट के नीचे मौत पहरा दे रही होगी। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला ने जमीन के नीचे 45 किलोमीटर लंबी सुरंग बना रखी है, जिसका पता किसी को नहीं है। इस सुरंग को अटैक टनल नाम दिया गया है। इसमें मीडियम साइज के ट्रक भी चल सकते हैं। उन ट्रकों में लॉन्चर फिट किए जा सकते हैं। इसके अलावा लेबनान के गांवों के नीचे टैक्टिकल टनल बनाई गई है, जिसमें हिजबुल्ला के लड़ाके आसानी से मोटरसाइकिल तक चला सकते हैं। ये लड़ाके वहां से रॉकेट फायर कर वापस आसानी से सुरंग में लापता हो सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फिर बाहर निकल सकते हैं। तो वहीं सबसे खतरनाक सुरंगें हैं एक्सप्लोजिव टनल्स। दरअसल इनका इस्तेमाल इजरायल की जमीनी सेना को उड़ाने के लिए किया जा सकता है। इन सुरंगों में बारूद लगाकर इन्हें डेटोनेट किया जा सकता है। ऐसी सुरंगें भी दक्षिणी लेबनान में बनाई गई हैं। लेबनान के पूर्वी बालबीक में तो सुरंग के भीतर एक ट्रक ईरान की फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल लेकर इजरायल के बॉर्डर तक जा सकता है और वो मिसाइल दागकर वापस सुरंग के रास्ते लौट सकता है। लेबनान जमीन के भीतर ही मिसाइल स्ट्राइक की लॉन्चिंग साइट तैयार कर चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इन इलाकों के ऊपर से अगर कोई उड़ान भरकर जासूसी भी करे तो उसे पता नहीं चलेगा कि इन पहाड़ों के नीचे मिसाइल लॉन्च साइट बनी हुई है। आपको सबसे बड़ी बात बताते हैं कि ये कहा जाता है कि इन सुरंगों की तकनीक के पीछे उत्तर कोरिया की मदद है। दरअसल उत्तर कोरिया सुरंग खोदने में सबसे माहिर देश है। पहाड़ से लेकर मैदान तक खोदने में उसे महारत हासिल है। बताया जाता है कि 80 से 90 के दशक में उत्तर कोरिया ने लेबनान को सुरंगों का जाल बनाने में मदद की। दावा किया जाता है कि हिजबुल्ला को उत्तर कोरिया से वो सब मिला जो उसे मजबूत होने में मदद करता चला आया। हिजबुल्ला की सुरंगों के सफाए के लिए ही साल 2018 में इसराइल ने ऑपरेशन नॉर्दर्न शील्ड चलाया था, जिस दौरान दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इसराइल के भीतर तक बनाई गई सुरंगों को नष्ट किया गया था। उस दौरान इजरायली सेना को ऐसे 6 रास्ते मिले थे जो लेबनान जाते थे, लेकिन उनका सिरा कहां जुड़ा था ये पता नहीं चल सका था, जिस वजह से उन पैसेज को तबाह कर दिया गया था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि साल 2020 में इसराइल ने उत्तरी सीमा पर अंडरग्राउंड सेंसर लगाए जो जमीन के भीतर किसी भी तरह की सुरंग की खुदाई या फिर इजरायली सीमा के भीतर सुरंग की जानकारी देते, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चल सका। बहरहाल इसराइल अब तक लेबनान में 2 जंग लड़ चुका है। पहली जंग 1982 में उसने लेबनान के खिलाफ लड़ी तो दूसरी साल 2006 में उसने हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ी। साथ ही अब तक कई ऑपरेशंस कर चुका है। लेकिन अब गाजा में हमास की जंग के बाद हिजबुल्ला इसराइल के लिए नई चुनौती और बड़ा खतरा बनकर उभरा है।